खंड फरुखनगर के गांव बसुंडा में जिला स्तरीय किसान मेले के आयोजन पर पहुंचे पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता के द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में मानने का निर्णय लिया है। इसके तहत पूरे भारत में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को मोटे अनाज को आहार में शामिल करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने पूरे जिले से पहुंचे किसानों को मोटे अनाज को प्रतिदिन अपने आहार के रूप में शामिल करने के लिए आह्वान भी किया और कहा कि मोटा अनाज हमारी सेहत के लिए बेहतर लाभकारी है। इन खानों को खाने में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करना है। मोटे आज ये सभी मोटे अनाज जो है हमारे खाने की थाली से गायब हो चुके हैं, जिनका मुख्यतः गेहूं और पूर्णतः गेहूं और जो है चावल ले लिया है। गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण इनके सेवन से हमारे शरीर में काफी बीमारियां उत्पन्न होती है। धन्यवाद सर सभी किसान भाइयों। मेले के आयोजन पर पहुंचे पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता को लोगों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों के लिए और विधायक के लिए स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत भी गाए। जैसे अभी रागी बताया या कोई फ्रूट है या हमारी बहन बोल धनकोट वाली जिन्होंने आचार के प्रोडक्ट लगाए, अगर हम इस तरह की कोई अपनी खेती पर बढ़े तो शायद गुजारा हो सके। इस पर बहुत विचार करने का ये समय आ गया है और इसके ऊपर हमारे कृषि विभाग को भी काम करना चाहिए। शिकोपुर में जो रिसर्च सेंटर है ये इलाके को बहुत बड़ी देन उस समय है, राव वीरेंद्र सिंह जी जब कृषि मंत्री थे उन्होंने दी थी। उसका फायदा हो कि जो विकसित देशों में जब हम 2047 की विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं तो हमारी खेती भी उन विकसित देशों की तरह बढ़े। उसी पैटर्न पर हम नई नई प्रोडक्शन करें, नए नए उत्पादन करें जिससे हमारे परिवार को और उन सबको फायदा मिल सके। और दूसरी जो बड़ी समस्या हमारे इलाके को लेकर है, अभी 10-20 साल तो नहीं होने वाली लेकिन जो पानी है उसकी भी दिक्कत हमारे क्षेत्र में बड़ी है। खेती के लिए जो बड़ी बड़ी नहरें चाहिए, हमारे यहाँ टेल है छोटी छोटी छोटे छोटे नाले टाइप नहर है जिसमें पीने का पानी का काम भी मुश्किल से चलता है। कुछ हमने सापने दूरे को बढ़वा कर हमने पानी बढ़ाने का काम तो किया है कि कोई हमारे बारिश का और रिचार्ज होकर हमारी जमीन का पानी यहीं पे यहीं रिचार्ज होता रहे। इरिगेशन पर मैंने बहुत काम किया है अपने इस कार्यकाल के दौरान ताकि हमारा जो बारिश का पानी है यहाँ से दूर ना जाए, हम यही अपने यहाँ ये जो नदियाँ आपके बगल में जो बनाने लग रहा हूँ ये नाले से वो इसीलिए सारे मैंने पढ़वाए। नहरों की खुदाई भी कराई है, जो गाद आ गई थी वहां से और यहाँ पानी नहीं चढ़ता था उस गाद को निकलवा के जहां से आई थी वही वापस भिजवा दिया है ताकि पानी यहाँ आ सके। काम तो इन चीजों पर मैं लग रहा हूँ ये नजर कम आएंगे लेकिन ये ऐसी चीज है इनके बगैर हमारा जीवन चल नहीं सकता।